शासन के आदेश अनुसार प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को 10 फरवरी से खोलने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई फिर शुरू करने पर विचार करने को कहा था। कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 1 साल स्कूलों में पढ़ाई बंद चल रही थी। अब एक बार फिर स्कूलों में रौनक लौटेगी, लेकिन स्कूलों को एवं छात्रों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, ये 3 मूल मंत्र तो हमेशा तो रहेगा। वैसे यथासंभव जो बच्चे आएंगे उसको सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम बैठाएंगे और 50% क्षमता के हिसाब से हम खोलेंगे। यदि मान लीजिए ये कमरा तो 100 लोग बैठने का वो क्षमता है तो उसमें 50 लोग ही बैठेंगे, उसी हिसाब से 50% के हिसाब से हम लोग बुलाएंगे और उसमें दूरी बनाएंगे। वैसे सोशल डिस्टेंसिंग यथासंभव कितने कर सकते उतने हैं और वहाँ सैनिटाइजिंग का वहाँ अलग सफाई कर्मचारी का ट्रेनिंग दी जाएगी, वहाँ का जो सार्वजनिक जगह पे कैसे सफाई होगा कैसे होगा। और यथासंभव ये बच्चे के भी हम लोग मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे और बाकी जो हम लोग का जांचें हैं जो वैसे रैंडम चेकिंग तो करेंगे, फिर टीकाकरण में तब उनके बारी आने के बाद वहाँ का खासतौर पे टीचर है और फ्रंटलाइन वर्कर रूप से हमारा आंगनबाड़ी कार्य करती है, आशा बहनें हैं, उन्हीं का भी लगाएंगे। उसी टाइप का तैयारी शुरू है और 1 तारीख के बाद फिर कक्षा 1 से ही खोलने के लिए भी निर्देश है। वैसे उसी के हिसाब से हम लोग आगे योजना बना रहे हैं।